एंड वेलकम टू SPMIS Academy. टुडे वी विल एनालाइज इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऑफ 23rd October 2020. प्लीज नोट यू कैन डाउनलोड द PDF वर्जन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन डाउनलोड द PDF वर्जन ऑफ September 2020 मैगजीन फ्रॉम आवर वेबसाइट spmisacademy.com. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर मोर स्टडी मटीरियल्स. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is regarding internal disturbance going on in Pakistan. This topic is important from our syllabus paper 3, international relations point of view. So, इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें पाकिस्तान की थोड़ी सी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन समझनी होगी कि पाकिस्तान में कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं. जैसे इंडिया में हमारे 28 स्टेट्स हैं, वैसे पाकिस्तान के अंदर भी अलग अलग स्टेट्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देर आर टोटल 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान हैविंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट. बलूचिस्तान प्रोविंस, ये देखो, फिर है खाइबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, KPK प्रोविंस यहाँ पे है, पंजाब प्रोविंस, ये इनका सबसे इन्फ्लुएंशियल और इम्पॉर्टेंट प्रोविंस है पंजाब प्रोविंस. फिर है सिंध प्रोविंस, ये है सिंध प्रोविंस, और एक न्यूली क्रिएटेड प्रोविंस है जिसका नाम है गिलजित बल्तिस्तान प्रोविंस. पहले इसको ये लोग आज़ाद कश्मीर कहते थे और इसको इन लोग एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एरिया की तरह ट्रीट करते थे, एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह ट्रीट करते थे. बस ओवरऑल ये एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान इसका कंट्रोल करता था, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स. लेकिन अब इन्होंने, पाकिस्तान ने इसको भी अपना एक प्रोविंस बना दिया है. तो ये 5 प्रोविंस हो गए, पाकिस्तान के पहले 4 थे, अब ये 5 प्रोविंस हो गए. जैसे हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, वैसे इनके पाकिस्तान के ये 5 प्रोविंस हो गए या स्टेट हो गए. जैसे हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उसको कहते हैं फेडरली एडमिनिस्टर्ड एरिया. तो 2 मेन यूनियन टेरिटरीज हैं, एक है फाता प्रोविंस, फेडरल एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया, ये है फाता प्रोविंस, और दूसरा है ये फेडरल एडमिनिस्टर्ड एरिया ऑफ इस्लामाबाद. जैसे हमारा दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है क्योंकि वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, वैसे ही इनका जो इस्लामाबाद है दैट इज अ यूनियन टेरिटरी जिसको वो लोग फेडरली एडमिनिस्टर्ड एरिया कहते हैं बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इज इन इस्लामाबाद. अब करंट न्यूज जो है दैट इज रिलेटेड टू दिस सिंध प्रोविंस. तो देखते हैं, अब इसको समझने के लिए पहले आप समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट है इस्लामाबाद में. सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी कौन सी पार्टी की सरकार है, तहरीके इंसाफ की, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं अभी पूरे पाकिस्तान के इमरान खान. तो यहाँ पे जो पार्टी रूल कर रही है वो है तहरीके इंसाफ, और इस पार्टी के लीडर हैं इमरान खान, इस कारण से वो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के. जबकि जो सिंध प्रोविंस है, ये सिंध प्रोविंस में जो पार्टी रूल कर रही है वो 2 पार्टीज मिलकर के कोलिशन गवर्नमेंट बनाया है, पीपल्स पाकिस्तान पार्टी PPP एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग PML, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह. तो इन शॉर्ट द पॉइंट इज कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पार्टी से है और जो सिंध प्रोविंस की जो सरकार है वो अलग पार्टी से है. अब हुआ क्या कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो तहरीके इंसाफ है अंडर इमरान खान, और स्टेट गवर्नमेंट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड PPP, इन दोनों ने मिल करके, इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग और ये PPP ने मिल करके, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने मिल करके स्लोगन स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सिविल क्राइसिस चल रहे हैं, खासकर सिंध प्रोविंस में तो ज़्यादा चल रहा है, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ ग्रोथ. तो इन सब के कारण यहाँ की सरकार ने ही सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया, नारा लगाना शुरू किया, और वो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पे इन्होंने, जिसको लोग कहते हैं जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना मुसलम, समझो कि उनका जो उनकी जो भी इंपॉर्टेंट उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको एक जगह पर रखी गई हैं, उसको हम लोग कहते हैं जिन्ना मुसलम, और वहीं पे उनका फिर मकबरा भी है. वहाँ पे इन्होंने नारा लगाना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान की पार्टी के खिलाफ. इन्होंने अपने स्टेट अपने प्रोविंस सिंध में नारा लगाना शुरू किया. जैसे मान लो कि किसी एक स्टेट में दूसरे पार्टी की सरकार हो हमारे देश में और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नारा लगा रही हो, ऐसे हमारे यहाँ भी लास्ट ईयर हो गया था जब आसाम के अंदर लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो अब जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सिंध प्रोविंस में अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट,
तो वहां की पुलिस ने, सिंध की पुलिस ने तो नेचुरली कोई एक्शन लिया नहीं वहां के सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार तो अपोजिशन पार्टी की थी सिंध में। तो सिंध में जो पार्टी थी पीएम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपीपी, इनकी सरकार है और पुलिस इनके कंट्रोल में थी, क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में पुलिस स्टेट गवर्नमेंट पुलिस स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये पुलिस को कंट्रोल करते थे। तो पुलिस ने फिर इनको रोका नहीं और ये जिन्ना मोसोलम के आगे काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इमरान खान। फिर हुआ क्या कि पुलिस ने तो कोई एक्शन लिया नहीं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने एक्शन जरूर ले लिया और वो भी बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से एक्शन लिया उन्होंने। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक यूनिट जो बॉर्डर रेंजर्स कहते हैं, बॉर्डर रेंजर्स को काम दिया गया है बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पे वो गार्डिंग करते हैं। बॉर्डर रेंजर्स ने जाकर के सिंध प्रोविंस के इंस्पेक्टर जनरल को किडनैप कर लिया और सिंध प्रोविंस के आईजी को किडनैप करके उनसे साइन कराया कि साइन करो जबरदस्ती फॉर द अरेस्ट लेटर ऑफ दीज लीडर्स, जो लीडर्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो पहले पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी क्योंकि पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही थी, लेकिन फिर आईजी से फोर्सफुली साइन कराया गया उनको अरेस्ट करके, किडनैप करके, और उसके बाद फिर वो साइन लेटर लेकर के वारंट बनाया गया बाई बॉर्डर रेंजर्स, और फिर इन सारे लीडर्स को जो अपोजिशन लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया। अब इसके बाद हुआ क्या कि जो सिंध की पुलिस है वो पाकिस्तान आर्मी से अब सीधे भिड़ने को तैयार हो गई है। सिंध की पुलिस ने एक अजीबो गरीब तरीका अपनाया है अब प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई, पाकिस्तान की आर्मी का एक यूनिट आता है सिंध के अंदर और आईजी को अरेस्ट कर लेता है, रातों रात किडनैप कर लेता है और उससे फोर्सफुली साइन कराता है, तो नेचुरली सिंध पुलिस विल नॉट लाइक इट। और फिर सिंध पुलिस ने क्या किया, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने सिंध प्रोविंस के जितने भी टॉप लेवल के पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने भी टॉप लेवल के पुलिस ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम डीजीपी टू आईजी टू डीआईजी, सबने एक साथ छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डाल दी है, फॉर 2 मंथ्स लीव, एक साथ सबने एक ही तरह का एप्लीकेशन सबने डाल दिया है। अब एक तरह का क्राइसिस सिचुएशन आ गया है सिंध प्रोविंस के अंदर और इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये पहला टाइम ऐसा जब किसी ने पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट इतना मेजर तरीके से प्रोटेस्ट या फिर एक तरह का कन्फ्रंटेशन रेज किया है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है, इवन वो वहां की सिविलियन गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल है, और पाकिस्तान आर्मी को पहली बार किसी ने इस तरह से चैलेंज किया। देखो ये वो लोग हैं जो खुद भी पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये हायर एकेलॉन के हायर लेवल के पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो इनके प्रोटेस्ट को लाइटली नहीं लिया जा सकता, इनके प्रोटेस्ट से हो सकता है कि आगे कुछ फ्रूटफुल आउटकम निकले। तो एक स्टेट की पूरी पुलिस ने समझो आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। सो दिस इज अ न्यू थिंग, इट इज अ काइंड ऑफ सिविल वॉर गोइंग ऑन इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर किस तरह का सिस्टम है मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूं, वहां की आर्मी इन जनरल वहां के सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल बनाए रखती है, हमारे जैसा नहीं है, इंडिया के जैसा नहीं है कि आर्मी को ऊपर से ऑर्डर आता है और वो उनको आंख बंद करके बिना क्वेश्चन किए फॉलो करना पड़ता है। इंडियन आर्मी इज नोन फॉर इट्स डिसिप्लिन, जो भी ऑर्डर्स आएंगे उसको वो फॉलो करते हैं। दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी बात ही मानी जानी चाहिए। आर्मी शुड हैव नो कंट्रोल ऑन इन डिसीजन मेकिंग और इन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन पाकिस्तान इज ए फ्लॉड डेमोक्रेसी, पाकिस्तान इज ए फेल्ड डेमोक्रेसी, वहां पे तो डेमोक्रेसी पूरी तरह से फेल हो चुका है। जो भी वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको भी रिमोट कंट्रोल से चलाती है वहां की आर्मी, तो ये तो जनरल ट्रेंड है। लेकिन ये जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की अंडर इमरान खान, अंडर द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, ये सरकार तो और भी ज्यादा आर्मी पे डिपेंडेंट है। ऐसा लोग कहते हैं कि जनरल बाजवा जो पाकिस्तान आर्मी चीफ है वो तो पाकिस्तान आर्मी का पाकिस्तान सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, ऐसा भी लोग मानते हैं वहां के कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, कि 2018 का जो इलेक्शन था जिसको जीत करके इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो पूरा का पूरा इलेक्शन पाकिस्तान आर्मी ने रिग किया था, फिक्स किया था, और उन्होंने ऐसे फिक्सिंग करके पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया है इमरान खान को। तो इमरान खान तो वैसे इन जनरल पाकिस्तान की सरकार ऑलवेज रिमेन्स अंडर डोमिनेंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी, बट इमरान खान इज अंडर मच मोर इन्फ्लुएंस, ये पूरी तरह से आर्मी के कंट्रोल से चलते हैं, ऐसा एलिगेशन है। अब
होगा क्या कि ये जो करंट डेवलपमेंट हुआ है, ये जो सिंध के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा या क्या इम्पैक्ट होगा, वो ज़रा समझते हैं। देखो, पाकिस्तान आर्मी का ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन द सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये इंडिया के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। इट इज़ ए मेजर स्कॉर्च, परेशानी का एक सबब है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, टेररिज्म होता है, उसके पीछे पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। पाकिस्तान आर्मी नेवर वांट्स टू हैव पीस विथ इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया के साथ पीस हो गया तो पाकिस्तान आर्मी का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा, फिर बजट एलोकेशन कम हो जाएगा, तो पाकिस्तान आर्मी को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं इंडिया के साथ पीस करने में। और इसका और पाकिस्तान आर्मी का पूरा कंट्रोल है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन पे। इस कारण से जब भी कोई स्टेप लिया जाता है टू डेवलप पीस विद इंडिया इन पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल जरूर कर देती है। सो बिकॉज ऑफ ह्यूज डोमिनेंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी स्टेप टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैव पीस विद इंडिया इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी इन वन वे और द अदर। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप अगर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि अगर जब भी सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार है, उसने जब जब कोशिश की है इंडिया के साथ अच्छे संबंध बिल्ड करने के, पीस बिल्ड करने के, तब तब कोई ना कोई डिसरप्शन जरूर हुआ इन वन फॉर्म और द अदर, टेररिज्म का इम्पैक्ट जरूर हुआ है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दिए हैं। 1999 में हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही मेजर इनिशिएटिव लिया इन ऑर्डर टू बिल्ड गुड टाइज विद पाकिस्तान। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना था कि जब तक पाकिस्तान से हम अच्छी दोस्ती नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें टेररिज्म का प्रॉब्लम रहेगा, सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा। तो इस कारण से उन्होंने एक डिप्लोमेसी स्टार्ट की, लाहौर बस डिप्लोमेसी, जिसमें वो बस में बैठ करके दिल्ली से लाहौर गए और दिल्ली लाहौर बस सर्विस स्टार्ट किया। और पहला जो बस सर्विस था उसमें वो खुद ही बैठ करके गए। एंड दिस वाज अ गुडविल जेस्चर, अ फ्रेंडशिप जेस्चर फ्रॉम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। और आप देख सकते हैं ये लाहौर बस डिप्लोमेसी का एक इमेज है। उसमें उन्होंने एक फेमस स्पीच भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जंग ना होने देंगे, तीन बार लड़ चुके हैं लड़ाई, कितना महंगा सौदा है, हम जंग नहीं होने देंगे। इस तरह का उन्होंने पॉपुलर स्पीच दिया था। ये इस लाहौर बस डिप्लोमेसी के कुछ ही दिनों बाद कारगिल इंट्रूजन हुआ। कारगिल में कुछ घुसपैठी घुस आप गए और उसमें से कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी थे, और फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच की हॉस्टिलिटी और बढ़ गई। इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं। 2008 में उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी स्टार्टेड ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर विथ पाकिस्तान, नेगोशिएशंस चालू किए फॉर ट्रेड, और उसके कुछ ही दिनों बाद 26 नवंबर को हमारे मुंबई पे अटैक हो गया। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केम टू द पावर फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जिसका नाम था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती बनाने की कोशिश की। इनफैक्ट ऑन 25th December 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने तो सरप्राइज विजिट कर दिया पाकिस्तान को। इट वॉज अनशेड्यूल्ड विजिट, कोई प्लान नहीं था। ऐसे इतने बड़े लोग जो मिनिस्ट्रियल लेवल के लोग होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो प्रॉपर प्लानिंग के बाद दूसरे कंट्री को विजिट करते हैं, लेकिन ये विजिट 25th December 2015 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सडन विजिट कर दिया, अनशेड्यूल्ड विजिट कर दिया, इन ऑर्डर टू कॉन्ग्रेचुलेट, इन ऑर्डर टू विश उस टाइम के प्रधानमंत्री जो थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ को ऑन हिज बर्थडे। तो इनका बर्थडे था 25 दिसंबर को और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए इनको विश करने के लिए। ये सब गुडविल जेस्चर्स थे, फ्रेंडशिप के जेस्चर थे, इन ऑर्डर टू बिल्ड गुड टाइज विद पाकिस्तान। हुआ क्या इसके बदले? कुछ ही दिनों में, चार पांच दिनों बाद ही पठानकोट में अटैक हो गया, हमारे टेररिस्ट अटैक हो गया, उसके बाद उरी में अटैक हो गया। सो ये जो को रिलेशन है दे आर वेरी स्ट्रांग। जब भी कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा या पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट द्वारा टू बिल्ड गुड टाइज, पाकिस्तानी आर्मी टेररिज्म का इस्तेमाल करेगी या कोई ना कोई अलग तरीके अपनाएगी इन ऑर्डर टू ऑब्स्ट्रक्ट द पीस डेवलपमेंट। और इस कारण से ये रिसेंट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। अब लोग भी पाकिस्तान के धीरे धीरे समझने लगे हैं कि ये पाकिस्तानी आर्मी है जो इंडिया के साथ कभी पीस होने नहीं देती और टेररिज्म को फैलाती है, और टेररिज्म का नेगेटिव इंपैक्ट भी पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है, और इंडिया के साथ पीस ना होने के कारण पाकिस्तान इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर पा रहा है, और पाकिस्तान ओवरऑल ग्लोबल एरिना में भी आइसोलेट हो रहा है। सो इंडिया के साथ जो हॉस्टिलिटी है वो इंडिया के लिए तो नेगेटिव इंपैक्ट है ही, पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि इट इज़ पाकिस्तानी आर्मी दैट इज कॉजिंग दिस स्पॉइल स्पोर्ट, और इसका
एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया यह जब सिंध की पुलिस ने अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है मास लेवल पे अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी ओवर इन्फ्लुएंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल है, देखो आपको इसी तरह से एग्जाम में भी लिखना है, इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स पीस विथ पाकिस्तान बिकॉज दिस विल बेनिफिट इंडिया। हाउ इट विल बेनिफिट इंडिया? इट विल हेल्प इन कर्मिंग टेररिज्म, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के साथ अगर हमने कोऑर्डिनेशन बिल्ड कर लिया तो हमारे देश में टेररिज्म कम हो जाएगा। इट विल प्रमोट ट्रेड विद पाकिस्तान, अभी हमारा पाकिस्तान के साथ ट्रेड लगभग नेग्लिजेबल है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर हमने फ्रेंडशिप कर ली तो हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा पाकिस्तान के साथ, तो बोथ कंट्री विल बी बेनिफिटेड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? एक ही नेगेटिव फैक्टर है, एक ही विलेन है, वह है पाकिस्तान आर्मी। लेकिन दिस डेवलपमेंट इन सिंध वेयर ऑल सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैव अ काइंड ऑफ रिवोल्टेड अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी फॉर इट्स अनड्यू इंटरफेरेंस विल पुट लिमिटेशन ऑन पाकिस्तान आर्मी, एक तरह का मेजर डेवलपमेंट इंडिया के लिए। अब इससे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर थोड़ा तो लगाम लगेगा, थोड़ा तो कंट्रोल लगेगा, एंड दिस विल प्रोवाइड स्कोप फॉर डेवलपिंग पीसफुल रिलेशन विद पाकिस्तान। आप इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये कोट जरूर लिख सकते हैं, यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। तो अब हम चाहें या ना चाहें पाकिस्तान हमारा नेबर है, और नेबर के साथ हम उसको नेबर को बदल नहीं सकते, तो बेटर टू हैव गुड टाइज विथ नेबर। तो पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती बनाए रखने में ही इंडिया का भी फायदा है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वी हैव पीस एंड स्टेबिलिटी इन आवर ओन प्रॉक्सिमिटी वी कैन नॉट इमर्ज एज अ स्टेबल एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पर कंट्री एंड वी कैन नॉट बिकम अ सुपर पावर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट गुपकर रिजोल्यूशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फोर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले समझते हैं गुपकर रिजोल्यूशन है क्या। इसको समझने के लिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो आपको तो पता ही है कि लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया बाय मॉडिफाइंग आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको भी रीडिफाइन कर दिया, और जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 6-7 जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें सबसे आगे है नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर पीडीपी, इन सब ने मिल करके एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसका नाम है गुपकर रिजोल्यूशन। इस गुपकर रिजोल्यूशन में सिंपल सा इनका ऑब्जेक्टिव था कि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस ले करके रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गुपकर रिजोल्यूशन वाज साइंड इन अ मीटिंग ऑफ द मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कश्मीर, जो वहां की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विच यूनानिमसली रिजॉल्व दैट ऑल द पार्टीज वुड बी यूनाइटेड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एंड प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द आइडेंटिटी ऑटोनोमी एंड स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको गुपकर रिजोल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो फारूक अब्दुल्ला जो वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनके रेजिडेंस पे हुई थी जो गुपकर रोड पे है कश्मीर के अंदर, इसी कारण से इसको हम लोग गुपकर रिजोल्यूशन कहते हैं। एक साल बाद ये हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए था क्योंकि जब एक साल पूरे हो गए थे जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को मॉडिफाई किए हुए, तो इन्होंने वापस से गुपकर रिजोल्यूशन 2.0 मीटिंग कंडक्ट की थी जिसमें इन्होंने फिर से डिमांड किया था कि हम लोग स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के रहेंगे। अब ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को चेंज करके क्या फायदा होगा, तो इस तरह का सवाल आएगा। हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्ट हाउ मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बेनिफिट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कैसे फायदा होगा, सवाल आएगा ऐसा। आपको कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी मैं बता देता हूं। देखो विथ मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नाउ जम्मू एंड कश्मीर विल बी अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, पहले वो स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट था, अलग से स्टेट था जिसको स्पेशल स्टेटस भी मिला हुआ था, नाउ इट विल बी अ यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी होने के साथ ही इट विल बी एडमिनिस्टर्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी स्ट्रेंथेंड। तो उसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, किसी भी स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी कौन टेक केयर करता है? वहां की पुलिस। तो जब पहले अलग से स्टेट था तो वहां की इंटरनल सिक्योरिटी वहां की पुलिस देखती थी, और वहां की पुलिस वहां के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थी, तो और स्टेट गवर्नमेंट जो वहां की थी वो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार बनती थी, और लोकल पॉलिटिकल पार्टी जानबूझ करके वहां पे पूरी तरह से डिस्टर्बेंस को खत्म होने नहीं देते थे, टेररिज्म को खत्म होने नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर टेररिज्म खत्म हो जाएगा पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर धीरे धीरे वहां के लोग भी थोड़े डेवलप हो जाएंगे, थोड़े से वो मॉडर्न आउटलुक के हो जाएंगे, और फिर
जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस या कोई और भी, वो वहां पे पावरफुल हो जाएगी। सो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी। तो द पॉइंट इज कि देखो पहले कैसा था कि ये है जम्मू कश्मीर का बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल तो यही है, ये वाला एरिया तो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो ये बॉर्डर पे तो इंडियन आर्मी कंट्रोल करती थी, यानी कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी या बॉर्डर डिफेंस तो इंडियन आर्मी देख रही है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी वहां की लोकल पुलिस देखती थी। ऑफ कोर्स आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एप्लीकेबल था, बट फिर भी लोकल इंटरनल सिक्योरिटी तो लोकल पुलिस देखती है, और लोकल पुलिस वहां के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी, और स्टेट गवर्नमेंट में वहां के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार होती थी, जैसे पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये चाहते नहीं थे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में शांति आए, क्योंकि पूरी तरह से अगर शांति आ जाएगी तो लोग जो हैं वो फिर थोड़े मॉडर्न आउटलुक के हो जाएंगे, और फिर वो डिमांड करेंगे कि हमें एजुकेशन दो, हमें बेहतर एम्प्लॉयमेंट दो, हमारे लिए डेवलपमेंट लेकर के आओ। तो ये सब कुछ एलिगेशन थे। इस कारण से लोकल पुलिस को इस पूरी तरह से फ्री हैंड दिया नहीं जाता था कि टेररिज्म को कंट्रोल करे। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि इंडियन आर्मी चाहे कितना भी अच्छे से बॉर्डर डिफेंड कर ले, कुछ ना कुछ टेररिस्ट अंदर घुस ही जाते थे, और फिर वो इस एरिया में लोकल लोगों को इंसाइट करते थे, लोकल लोगों का ब्रेन वॉश करते थे टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए। सो दैट वॉज द प्रॉब्लम। सो अब क्या होगा, अब जब स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को खत्म कर दिया गया, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो अब बॉर्डर पे इंडियन आर्मी है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत इंडियन आर्मी इसको कंट्रोल कर रही है, और यहां पे भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंट्रोल है। ये जो लोकल पुलिस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे काम करेगी। तो इससे फायदा क्या होगा कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो अब सिक्योरिटी को एक बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। सो नाउ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी विल बी इन सिंक। अब दोनों में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, और जब एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी सिंक में आ जाएगा तो अपने आप जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी थ्रेट है कश्मीर का, वो रिजॉल्व हो जाएगा। और एक बार सिक्योरिटी इश्यूज आर रिजॉल्व्ड, वंस द इंटरनल सिक्योरिटी इज रिस्टोर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, देन ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन हैपन। सिक्योरिटी इज प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर किसी एरिया में बम फूट रहे हो तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगी और वहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लेकिन अब एक बार जब वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स को टैकल कर लिया जाएगा तो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी हो सकता है। सो आपको अगर इंटरव्यू में आपसे एक शब्द में सवाल पूछ लिया जाए ये बताओ आर्टिकल 370 को मॉडिफाई करके और स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को खत्म करके भारत सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको जवाब देना है टू क्रिएट अ सिंक बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर बेस ईयर हैज बीन रिवाइज टू 2016। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फोर, इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। अब करेंट न्यूज काफी सिंपल है, छोटा है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर को रिवाइज कर दिया है, चेंज कर दिया है उसका बेस ईयर फ्रॉम 2001, इसको बदल करके कर दिया है 2016। इन्फ्लेशन तो आई होप आप सब समझते ही हैं, ये सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर भी एक तरीका है इन्फ्लेशन को मेजर करने का। इन्फ्लेशन का जनरल डेफिनेशन होता है इट इज इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल एंड फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जब ओवरऑल चीजों के प्राइस बढ़ने लगे तो हम उसको कहते हैं इन्फ्लेशन, और जब हमारी मनी जो हमारे पास पैसा उसका परचेजिंग पावर घटने लगे, पहले 100 रुपये में हम जितना सामान लाते थे आगे बाद में अगर 100 रुपये में उससे कम सामान मिले, यानी कि परचेजिंग पावर हमारे पैसे का कम हो रहा है, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन अलग अलग लेवल पर हो सकता है। देखो यह है सप्लाई चेन, एक प्रोड्यूसर है, मान लो ये किसान है, ये प्रोड्यूसर है, इसके लेवल पर भी दाम बढ़ सकता है चीज़ों का, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। ये है सप्लाई चेन में, उसके बाद ये दाम ये चीज़ें जाती हैं होलसेलर के पास, अगर इसके लेवल पे प्राइस बढ़ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन। उसके बाद वो वही सामान जाता है रिटेलर के पास, और ये है रिटेलर, इसके लेवल पे अगर प्राइस बढ़ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन, क्योंकि इसी से तो हम सामान खरीदते हैं, हम कंज्यूमर्स वी बाई आवर प्रोडक्ट एंड कंज्यूम फ्रॉम बाई बाइंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द रिटेलर इटसेल्फ। तो ये प्राइस जो है यहाँ पे अगर महंगाई बढ़े तो उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन। इंडिया में हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को ही मेजर करते हैं। अब ये जो न्यूज है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन से है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी इन्फ्लेशन भी अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर हैं, वो कौन कौन से आइटम को इस
का इस्तेमाल करते हैं उसकी लिस्ट बनाई जाती है और उसमें किस तरह से महंगाई आई है उसको कैलकुलेट करते हैं और उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। उसके अलावा और भी हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, तो गांव में जो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रहे हैं मजदूर हैं उन वो कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उस प्रोडक्ट में कितनी महंगाई आई है उसको जब काउंट करते हैं तो हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स। और उसके अलावा रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर को छोड़ करके बाकी चीज़ों में बाकी जगहों पर काम कर रहे हैं उनके लिए जो महंगाई मेजर किया जाता है थ्रू द इंडेक्स नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबरर्स। उसके अलावा अगर सबको कंबाइन कर दिया जाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल अर्बन इनको कंबाइन कर दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। तो ये हैं चार तरीके के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, रूरल लेबरर्स एंड कंबाइंड। अब जरा ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स, दिस इज कंपाइल्ड एंड रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जबकि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है दैट इज रिलीज्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO दैट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन अलग मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड ये अलग मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब जो करंट न्यूज है वो इससे रिलेटेड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका बेस ईयर बदल दिया गया, पहले इसका बेस ईयर था 2001, अब इसका बेस ईयर चेंज करके कर दिया गया है 2016, जबकि बाकी जो तीन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन उन सबका बेस ईयर है 2012, इतना आपको याद रखना है इतना। और उसके अलावा आपको यह भी याद रखनी है, ये बात अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर किस किस तरह के आइटम इंक्लूड किए जाते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इतना तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन के लिए सारे आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, कुछ एक इंपॉर्टेंट आइटम्स की लिस्ट बनाई जाती है और उसके प्राइस चेंज को मेजर किया जाता है, उसके बेसिस में इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। तो CPI के अंदर फूड एंड बिवरेजेज, पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, मिसलेनियस के अंदर, इस बात को ध्यान रखना, मैं मिसलेनियस ये पूरा लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मिसलेनियस के अंदर कुछ सर्विसेज भी हैं जैसे एजुकेशन की सर्विस, हेल्थ की सर्विस। तो मुद्दा यह है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर करते वक्त कुछ गुड्स भी लेते हैं कि उसकी प्राइस में कैसे चेंजेज आए हैं, इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं, कुछ सर्विसेज को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं कि उसकी प्राइस कैसे इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। तो CPI इंडेक्स इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट, इट इज अबाउट न्यू रूल्स दैट कुड फेवर कैंडिडेट्स फ्रॉम 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन APSC एग्जाम। अब ये टॉपिक अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मुझे लगा कि APSC कैंडिडेट्स को ये जानना चाहिए कि क्या बातें डिस्कशन हो रही हैं, दैट इज वाई आई कवर्ड दिस आर्टिकल। सो APSC का जो कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम का नया पैटर्न है वो तो आप सब जानते ही होंगे। इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स स्टेज में एग्जाम होगा जिसके GS पेपर 1 होंगे, GS पेपर 2 होगा जिसको आप CSAT कहते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का, ये सब आप जानते हैं। फिर मेंस में क्वालिफाइंग पेपर होंगे, पेपर ए आइदर इन SMEs बंगाली बोडो एंड पेपर बी इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग हो। उसके अलावा स्कोरिंग पेपर आपको बताइए, पेपर 1 SA होगा, पेपर 2-6 होंगे वो GS पेपर होंगे एंड पेपर 7 और 8 ऑप्शनल पेपर होगा। फिर इंटरव्यू होगा 275 मार्क्स। अब ये जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू दिस क्वालिफाइंग पेपर ए जिसमें आपको SMEs बंगाली और बोडो का एग्जाम होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को एग्जेम्पशन दे दिया गया है, डीमा हसाओ, कार्बी एंगलोंग, वेस्ट कार्बी एंगलोंग, कसार, करीमगंज एंड हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को एग्जेम्पशन दे दिया गया अगर उन्होंने स्कूल लेवल पे अगर SMEs बोडो या बंगाली नहीं पढ़ी है तो। तो अब डिमांड क्या चल रही है, कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह से तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा अगेंस्ट ऑल दो स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू ब्रह्मपुत्रा वैली, जो मेन ब्रह्मपुत्रा वैली वाले डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ये एक्स्ट्रा पेपर देना है उनके अगेंस्ट तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इनको एक्स्ट्रा पेपर की तैयारी करनी होगी जबकि कुछ स्टूडेंट्स को ये पेपर तैयार करना ही नहीं होगा। तो डिमांड की जा रही है कि इनको आप ठीक है बोडो बंगाली और SMEs में एग्जाम मत दिलवाओ क्योंकि इनको ये बोडो बंगाली SMEs नहीं आती है, बट इनके लिए कोई तो एक पेपर ऐड करो, अदरवाइज होगा क्या कि कुछ लोग जो हैं वो 8 पेपर देंगे, कुछ लोग बस 7 पेपर लिखना होगा, तो उनको एक पेपर ही कम लिखना होगा, उनको एक पेपर ही कम प्रिपेयर करना होगा। दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सो मेक एन अरेंजमेंट फॉर ऑल्टरनेटिव पेपर, या तो इनका इंग्लिश का ही 2 पेपर ले लो या उनके कार्बिंग लैंग्वेज में या उनके जो भी लोकल लैंग्वेज में उसमें एग्जाम लो। सो दैट इज अ काइंड ऑफ डिमांड गोइंग ऑन।
अब इस पे आप भी अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि कैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती ये ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आई बिलीव कि इनका जो लोकल लैंग्वेज है उसमें एक पेपर ऐड कर दिया जाना चाहिए, नंबर ऑफ पेपर्स दोनों के ही सेम होने चाहिए। इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पीटी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग एपीएससी टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 130 to 132। टॉपिक नंबर 130 इज अबाउट हेमचंद्र बरुआ लिटरेरी अवार्ड। अनुराधा शर्मा पुजारी हैज बीन अवार्डेड विद हेमचंद्र बरुआ लिटरेरी अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन एसएमईज लिटरेचर। हेमचंद बरुआ वॉज 19th सेंचुरी एसएमईज स्कॉलर हु मेड फर्स्ट एग्जॉस्टिव कंपाइलेशन ऑफ एसएमईज डिक्शनरी नोन एज हेमकोश। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 130। टॉपिक नंबर 131 इज अबाउट असम स्किल यूनिवर्सिटी। असम गवर्नमेंट विल सेटअप स्किल यूनिवर्सिटी इन द डोरंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। इट विल बी इंडियाज लार्जेस्ट स्किल यूनिवर्सिटी विथ 10,000 सीट्स। 80% ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर सेमी स्टूडेंट फॉर एसएमईज स्टूडेंट्स वाइल 20% सीट्स विल बी गिवन टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्टूडेंट्स। टॉपिक नंबर 132 इज अबाउट यात्री मित्र। इट इज ए हाईवे हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाई असम गवर्नमेंट। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 132। दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 127 to 129 दैट वी आर गिवन यस्टरडेज न्यूज पेपर एनालिसिस। टुडेज क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड बाई स्टूडेंट्स एंड कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी सेंडिंग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन टुमारोज न्यूज पेपर एनालिसिस। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी। सेंटर स्टेट रिलेशन इज नॉट कंसिडर टू बी कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू ग्रैनविल ऑस्टिन। That's all from our side for today. Thanks for watching.